हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विंटर की सबसे मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो लगभग सभी को पसंद है और सबके घरों में बनता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने लगभग 500 ग्राम हरी मटर ली है, उसे मैंने धो लिया है, और लगभग 250 ग्राम आलू को छिलकर मैंने उसे इस तरह से छोटे पीस में काट लिया है। मैंने हरी लहसुन पत्ती, हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और बरी लिया है। लहसुन और हरे मसालों का मैंने मिक्सर में पेस्ट बनाया, उसमें आधी चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर और लगभग 2 चम्मच सब्जी मसाला ऐड किया। हरी मटर को मैंने मिक्सर में इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, बहुत बारीक नहीं किया है मैंने। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें लगभग 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। फिर उसके बाद ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम बरी डाल देंगे। बरी को ब्राउन करना है, फिर उसमें हम ये पीसी हुई मटर ऐड करके उसे फ्राई करेंगे। लगभग 10 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पर। बराबर चलाते रहना है इसे। फिर हम इसमें कटे हुए आलू को भी डालकर फ्राई करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें पीसे हुए मसाले को ऐड कर उसे फ्राई करेंगे लगभग 5 मिनट तक। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, अपनी ग्रेवी के अनुसार आप जितना भी पानी डालना चाहे डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और लगभग 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे। 15 मिनट बाद हमारा निमोना पक चुका है और तैयार है सर्व करने के लिए। इसे आप चावल रोटी से एंजॉय करिए तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा।